एवरीवन नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू अ ब्यूटीफुल सेगमेंट जिसका नाम है द रियल हीरो एंड आई एम योर होस्ट मीनाक्षी। वेल, रियल हीरो किसे कहते हैं? फिल्म के किसी सेलिब्रिटी को? वेल, असल मायने में रियल हीरो वो होता है जो अपने गोल्स तक अचीव करता है, अपने गोल्स तक पहुंचता है एक छोटे छोटे स्टेप को फॉलो करते हुए। परेशानियां किसकी जिंदगी में नहीं आती, आपकी जिंदगी में भी ऐसी कई हर्डल्स होंगे, ऐसी कई परेशानियां होंगी। मेरी जिंदगी में तो अनगिनत परेशानियां हैं, उसके बारे में बात नहीं करूंगी, लेकिन इन हर्डल्स को क्रॉस करते करते अपने गोल्स तक पहुंचना एक रियल हीरो कहलाता है। आप अपने लाइफ के ही रियल हीरो हैं, मैं अपनी लाइफ की रियल हीरोइन हूँ। ऐसे कई रियल हीरो से हम मुलाकात करते हैं जिन्होंने जिंदगी में अपने गोल्स को अचीव तो किया, सोसाइटी के लिए भी बहुत कुछ किया, लेकिन वहाँ तक पहुँचने की जो जर्नी है वो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको जरूर इंस्पायर करेगी। और आज जो सेशन है आप देखकर समझ ही गए होंगे कि हमारे साथ कौन हो सकता है। कोई खाने से जुड़ा रिलेटेड कोई सेलिब्रिटी होगा। वेल, अब मैं आपको ज्यादा बताऊंगी नहीं, क्योंकि इन्हीं इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं जो नागपुर का तो नाम रोशन कर ही चुके हैं, नेशनल लेवल पे भी इनका नाम जाना जाता है, अब इंटरनेशनली भी इनके नाम से हर कोई वाकिफ है। आज हमारे साथ है नन अदर देन नागपुर के सेलिब्रिटी शेफ, शेफ विष्णु मनोहर जी। कैसे हैं जी? कैसे हैं? आप सुनाइए। बहुत बढ़िया, आपसे मिलकर और खुश हो गई। नहीं नहीं, मैं भी खुश होता हूँ। जिस हिसाब से आप बात करती हैं जी, तो अच्छा लगता है, है ना? फील गुड, आपसे मिलकर दिल खुश हो जाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं नागपुर से शुरुआत करते करते अब इंटरनेशनल लेवल पर विष्णु की रसोई जानी जाती है, और हम प्राउडली कह सकते हैं कि विष्णु दादा हमारे यानी नागपुर के हैं। आपको फिर बोर करूंगी, फिर वही जर्नी जानना चाहती हूँ, लाइव सुनना चाहती हूँ। बहुत दिन से मेरी इच्छा थी कि मैं आपको सुनूं। शुरू से शुरुआत करते हैं, शुरू से ना, वो स्कूल का टाइम। हाँ। जब आपने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ, क्योंकि आपके जो पिताजी हैं वो चित्रकार रहे हैं, जी, जी। तो उन्होंने भी सोचा होगा कि मेरा बेटा भी चित्रकारी बने। मम्मी गाती थी गाना। हाँ, तो उसको लगता हाँ। था कि मैंने गाने वाला होना चाहिए, पर उसको क्या मालूम मैं खाने वाला हो गया। वैसे खाने का शौक पहले से था। ओके, हाँ। और मेरे पापा क्या सब ऐसे बड़े बड़े लोग आते थे पेंटिंग वेंटिंग करवाने जी। तो मैं बोलता यार वो सब गाड़ी उड़ी उस समय फियाट एम्बेसडर ऐसे गाड़ियाँ थी, थोड़ा वो उसमें आते हैं। मेरे पापा क्यों इतने सिंपल रहते हैं, पैजामा एंड कुर्ता, बस दैट्स इट। तो फिर बाद में पता चला ये सब ऐसा चाहिए जो मेरे पापा के पास नहीं था। कला बहुत थी, नाम बहुत था, और बहुत सिंपल से आदमी थे। तो मैंने बोला कि मैं कैसे भी करूँगा मेरी फैमिली को यहाँ तो पहुँचाऊँगा। और बाद में उसी समय मैंने याराना फिल्म देखी थी अमिताभ बच्चन की, तो उसमें अमिताभ जी हीरो से हीरो बनते हैं। तो मैंने कहा कि भैया लाइफ में ऐसा कुछ करना चाहिए कि लोग जाने पहचाने, थोड़ा सेलिब्रिटी स्टेटस मिले। ये तो हर कोई एक आम इंसान की इच्छा होती है कि हम ऐसा कुछ करें, बट कई बार होती है ऐसी परेशानियां, कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जैसे आप कह रहे हैं कि आप एक बहुत सिंपल फैमिली से बिलोंग करते थे, जहां फादर की सिर्फ ये इच्छा थी कि हम बच्चों को अच्छा कुछ दे सके, ये नहीं था कि हम बच्चे एक अलग कामना के साथ बड़े होते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे जी। तो वहां से आपकी शुरुआत कैसे हुई? वहां से जब शुरुआत हुई, जब मैं सिक्स्थ में था जी, याद आना, फिर तो मैंने फिर क्या होता, मैं हमेशा कहता हूँ कि एक बार मन में ठान लो कि मेरे को इस मुकाम तक जाना है तो आप जरूर पहुँचे, बट वो दिली तमन्ना चाहिए। हाँ, और उस समय ऐसा होता था कि जब मैं स्कूल में रहते थे तो स्कूल में किसी एक सब्जेक्ट की पढ़ाई नहीं होती थी, तो दिली तमन्ना सुबह से आज ये टीचर नहीं आनी चाहिए, और वो होता था, और होता था। तो यही दिली तमन्ना मैंने इसके बारे में, शाहरुख खान का वो डायलॉग है ना, जिसकी वो क्या कहते हैं, कायनात भी उसे पूरा करती है। हाँ। सीन्स डायलॉग लर्न नहीं है, बात सही है। बट वो डायलॉग डायलॉग के तरह है, बट ये रियलिटी है कि सारी कायनात आपके साथ होती है। हाँ, और वो पूरा करती, तो होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल होनी चाहिए। तो उस समय फिर बाबा, फिर धीरे धीरे उसी समय मैंने काम शुरू किया, बुक बाइंडिंग का काम करता था, देन कहीं मंदिर में कुछ पेंटिंग है तो वो काम करता था। और बाबा हमारे थर्माकोल के लेटर्स काट के देते थे, वो लेटर्स लेके फिर कई फंक्शन में जाना, वो लगवाना। तो नेचुरली होस्ट कहता था कि भाई खाना वाना खा के जाओ, खाने का शौकीन पहले से था, और फिर वो शौक मुझे यहाँ ले आए से समझेंगे। फिर किसी कैटरर के यहाँ काम किया एज अ डेकोरेटर, वो काम मुझे अच्छा लगने लगा, ये सब मेज वेज, ये बर्तन, ये वो।
तो मैं बोला यार ये काम करना तो नहीं है, बट इंटरेस्ट बहुत था। वो पता नहीं कैटर को क्या होगा, एक दिन मैंने उससे कुछ भला बुरा मुझे कह दिया। अच्छा हाँ, तो फिर मैंने जिद पकड़ ली कि अब यही काम मैं करूंगा, दिखाऊंगा। और फिर वहाँ से शुरुआत हुई। किचन की तरफ रुख कैसे हुआ, क्योंकि आप जिस टाइम से आ रहे हैं, आपका जो समय था, क्योंकि अब एक ट्रेंड हो चुका है लड़के किचन में शौकिया तौर पर कहें या फिर एक प्रोफेशन भी एक बहुत ओपनली माना जाने लगा है, एक्सेप्ट किया जाना है। बट द टाइम जहां आप बिलोंग करते हैं उस जमाने में बेटा किचन की तरफ जाए एक अलग परसेप्शन था। बराबर। आपने कैसे कन्विंस किया और आप कैसे रुक हुए कि किचन की तरफ आपका जुड़ा हुआ? ना, मैं देखिए 10th में था जब पहला काम लिया। अच्छा। और वो मम्मी को बताया मैंने। हाँ। खुशी खुशी कि भाई मैं ऐसे ये काम मैंने शुरू किया। अच्छा। तो मम्मी खुश होने के बजाय डांटने लगी। हाँ। कहने लगी कुछ नहीं, पहले पढ़ाई स्वाभाविक है और बाद में ये सारे धंधे। नाराज हो गया मैं, पर मैंने बोला जिनसे काम लिया था वो भी नाराज हो गए, बोले ऐसे टाइम पे नहीं होता। फिर हमने वो काम किया और चोरी छुपे किया। अच्छा। मेरे ब्रदर प्रवीण जी प्रफुल जी के साथ में। और उसका रिजल्ट ये है अभी जो भी है। तो उस समय क्योंकि मम्मी और इनका सब एकेडमिक ये जो था बैकग्राउंड बहुत अच्छा था जी। तो वो भी चाहती थी जी। पर अभी मैं मम्मी को बड़े फख्र से मैंने कहा कि एट द एज ऑफ 48-50 तो मुझे MGM इंस्टीट्यूट औरंगाबाद में उन्हें एज अ प्रोफेसर इमेरेटस ऐसे फीलिंग आती है। हाँ, बहुत बहुत बढ़िया लगता, अच्छा लगता। हाँ, है ना? तो वो मैं पेढ़ा लेके गया, मम्मी तेरे बेटे को अभी इस साल नौकरी लग गई। कहीं ना कहीं आपने वो 10th से शुरुआत की, वो पहला जो आपको मिला था काम, उस काम को एक बार फिर से रिफ्रेश करते हैं। वो काम जैसा था ना, यहाँ हमारे यहाँ धंतोली एरिया है। हाँ। वहाँ पे आइडियल टाइपिंग इंस्टीट्यूट हुआ करती थी। हाँ। और मिसेस पांडे और उनके बेटे का नाम बबलू। अच्छा। वो मेरे क्लासमेट था। अच्छा। उसके बड़े भाई की शादी थी। अच्छा। 250 लोगों का काम था। ओके। तो मैंने बहुत पीछे उसके पहले मैंने काम किए थे। समोसा, बाद में कुछ छुटपुट ऐसे काम करना और चाय वाय का ऐसे। तो मैंने कहा आंटी प्लीज मेरे को दोनों में करता हूँ काम। तो बोले इतने छोटे बच्चे को कैसा दें, बोला आप बिलीव करो मैं करूँगा। और वो मिल गया काम। हाँ। मिलने के बाद फिर वही हुआ हादसा। फिर उनको बताऊँ कैसे कि हाँ, भाई मेरे को हाँ, नहीं करना है। हाँ। तो हाँ नहीं करते करते 5 दिन पहले बताया कि मेरे को नहीं करना। अच्छा। तो डांट उन्होंने दिया। हो, हो, हो। तो फिर मैंने जिद पकड़ ली कि चलो मैं करूँगा। और होने के बाद इतना अच्छा हुआ काम कि मेरे पापा के पास लोग आने लगे कि आपको आपके बेटों ने बहुत बढ़िया काम शुरू किया। तो ऐसा वो ये था और जर्नी वहाँ से और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। हाँ। उस समय देखिए छोले, हाँ। आलू गोभी की सब्जी, गुलाब जाम, दही बड़ा, पुलाव, पूरी, इतना मेनू और रेट था 5 रुपए पर हेड। तो वो जमाना अलग था, अभी का जमाना अलग है। कहीं ना कहीं वो जर्नी शुरू करना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है विष्णु जी, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि उस टाइम में वो पर्सपेक्टिव अलग था लड़कों का कि लड़के किचन में नहीं जाते, एक डिस्क्रिमिनेशन जो है वो कहीं ना कहीं वहां से चला आ रहा है। अभी भी देयर इज अ सेक्शन ऑफ पीपल जहां पर ये होता है, इनइक्वालिटी है अभी भी जेंडर की अगर बात की जाए तो, वो काम बंधे हुए हैं। लेकिन वहां से अपने शुरुआत की केटरिंग की, तो ये आपने किस तरह सोचा कि आप ये प्रोफेशन की तरफ ही रुख करना है? वो वहां से जब शुरुआत की रिस्पॉन्स अच्छा मिलने लगा। हाँ। पापा का नाम अच्छा था। हाँ। तो उनके नाम के कारण हमको काम मिलने लगे, बट एज फैक्टर था। तो फिर हम क्या करते थे, मम्मी को ले जाया करते थे। हाँ। कि मम्मी आप बस खड़े रहो साथ में। अच्छा। बाकी हाँ। हम देखते हैं। तो वो 2-4 साल सिलसिला चला। हाँ। और बस वो इतनी दौड़ पड़ी गाड़ी। हाँ। पर ये करते करते आपका जो सवाल है कि हाँ। इसमें कैसे आए आप? हाँ, तो मैंने कहा कि भैया खाना बनाना तो आता नहीं जी। खाना आता है अच्छा। राइट। तो मेरे को यदि मेरे यहाँ के आदमियों को डांटना है तो मेरे बनाना सीखना पड़ेगा। तो फिर मैं जो हमारे यहाँ काम करने महाराज जाते थे उनके पास बैठ के। अच्छा। उनसे बातें करके। अच्छा। फिर कोई पाव भाजी वाला है उससे बातचीत करते करते। हाँ। कोई चाट वाला है उससे बातचीत करते करते घंटों खड़े रहना वहाँ पे। हाँ। और वो सीखने लगा। हाँ। और उसके बाद में प्रैक्टिस कैटरिंग के कारण होती थी। हाँ। और फिर धीरे धीरे मैं खुद की रेसिपीज बनाने लगा। और फिर पहला मैंने शो किया UCN चैनल के साथ। उसके बाद में दूरदर्शन के साथ काम किया।
फिर लोकल शोज करने लगा, लाइव शोज करने लगा जी। और धीरे धीरे 2004 में मैंने पहला जो शो शुरू किया मेजवानी ईटीवी के साथ, वो 14 साल चला, वो बहुत हिट था। हाँ, वो बहुत हिट था और बहुत बेहतरीन था, उसकी हर एक रेसिपी लोग फॉलो भी करते थे, दिल से फॉलो करते थे। विष्णु जी, रसोई, विष्णु की रसोई एक पहला सेटअप जी नागपुर में था, इसके बाद आपने एक्सपैंड किया। बराबर, नागपुर का सेटअप और एक मेन एरिया कहा जाता है जाज नगर को, एक अच्छे बड़े एरिया पे सेटअप लाना, ये किस तरह की प्लानिंग थी? क्योंकि कहीं ना कहीं आपका फैमिली सपोर्ट बहुत है, जिस तरह हम जानते हैं आपको, इतने टाइम से जानते हैं, आपने जब शुरुआत की थी शायद हम पैदा भी नहीं हुए थे। कौन सा ईयर था वो? 88 देखिये, हर इसके लिए कुछ ना कुछ कारण होता है। उस समय भी जब रसोई हमने शुरू की 2007 या 2008 में, तो पैसे थे नहीं, और जब शुरू किया सारे पैसे ये बनाते सम बनाने में लग गए, और आदमियों की कमी थी, कम पैसे में लोगों को अच्छा खिलाना था, तो फिर हमने ये बुफे का कंसेप्ट पहली बार लाया नागपुर में। हाँ, ये अभी भी जहाँ था मेरे का सही नहीं, बस खाली बड़े होटल्स छोड़ दिए, बड़े रेस्टोरेंट्स छोड़ दिए, तो उसमें नहीं है। तो ये भी एक हिम्मत थी, और मैंने कहा कि भैया नॉर्थ इंडियन खाना साउथ इंडियन खाना सब दूर मिलता है, पर अपने शहर में मराठी खाना आपले जेवण मिळत नाही, तो वो कहीं ना कहीं इसमें था। तो मैं बोला चलो इसको इसकी कभी पूरी करते थे, और ये फिर बाद में पता चला कि लोगों को अच्छा भी लगता है, माने नॉन महाराष्ट्रीय लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है। तो फिर धीरे धीरे ये बढ़ता गया, तो फिर मेट्रो सिटीज से जब लोग आते थे तो बोले यार ये मेट्रो सिटी का कंसेप्ट है, आप यहाँ क्या कर रहे, पूना आओ, मुंबई आओ, और फिर इसलिए था एक्सपांशन शुरू हो गया। और फिर ऑब्वियसली छोटे गांव से बड़े गांव, बड़े गांव से बड़े शहर, बड़े शहर से भी देश। यस, मतलब वही मैं आ रही थी कि नागपुर टू इंटरनेशनल शेफ विष्णु मनोहर का नाम, वहाँ भी विष्णु की रसोई जी के नाम से लोग जानते हैं, एंड कहीं ना कहीं वहाँ पर इंडियन फूड बहुत पसंद किया जाता है। स्पेशली जो इंडियंस वहाँ रहते हैं वो तो क्रेव करते हैं कि हमें इंडियन फूड कहीं खिला दे, सिर्फ दाल चावल ही खिला दे, एटलीस्ट इतना तो भी मिल जाए। बिल्कुल सही बात है। किस तरह का रिस्पॉन्स और किस तरह की शुरुआत रही, कैसे प्लानिंग हुई, उस थॉट प्रोसेस कैसा? थॉट प्रोसेस यही कि भैया कई लोग आते थे कि हमको वहाँ चालू करना है, तो मैंने मेरे हिसाब से मेरा वीसा वगैरह सब रेडी रखा था। अच्छा, बोला कब कैसे मौका आए कभी पता नहीं चलता, इसलिए अपना तैयारी रखो। तो वो तैयारी था, कई लोग आते थे, मैं बोला जो जेन्यून होगा वो एक बार दो मैं पहले तो मैं बड़े भाव में आ जाता था लोगों के, और बाद में फिर पता चलता था वो कि ऐसे ही थे, और फिर बाद में आदत हो गई मेरे को ऐसे लोगों की। तो एक मिस्टर कोथलकर यहाँ की है पर 20 साल से वहाँ पे। अच्छा। तो एक बार वो आए, मेरे ब्रदर ने फ़ोन किया भाई ऐसे ऐसे लोग आए, आप जल्दी आओ। बोला उनको मेरा नंबर दे दो, मैं बात करता हूँ। अच्छा। फिर उनको सीरियसनेस नहीं लगी होगी कि हाँ ठीक है वैसे होगा। तो फिर मैंने बोला अच्छा 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 आपका प्रोफाइल मुझे भेज दो, मैं देखता हूँ। तो उनके प्रोफाइल में था कि उनका एक ऑलरेडी रेस्टोरेंट वहाँ पे है बॉम्बे टू गोवा। अच्छा, तो फिर मैंने उनको एक बार बुलाया, फिर दो बार बुलाया, दोनों बार आया बंदा, तीसरे बार घर बुलाया। मैं बोला हाँ बंदा सीरियस है। हाँ, और फिर एक साल पहले की बात होगी कि मैंने उनका बॉम्बे टू गोवा रेस्टोरेंट देखा था, क्योंकि वहाँ एक फूड फेस्टिवल के लिए जब मैं अमेरिका गया था तो किचन के तलाश में किसी ने मुझे वो रेस्टोरेंट बताया था। अच्छा। तो मैंने बोला कि वहीं चालू कर रहे हैं आप? कहें हाँ, बॉम्बे टू गोवा निकाल के आपको विष्णु जी की रसोई चालू करना है। हाँ। तो फिर मैं बोला आपका किचन मैंने देखा है। तो मैं वही कहता हूँ ना, जब भी हमारी बात हुई कि आप दिल से चाहो तो सारी कायनात आपके साथ जुड़ी, ये कायनात ही जुड़ी, अदरवाइज मैं जाऊँ जगह सिलेक्ट करूँ हाँ नहीं हाँ इससे, तो जगह देखी थी तुरंत टिकट निकाला गया, 4 महीने के बाद रेस्टोरेंट खोल के वापस आए। फिर 1 साल में दूसरा रेस्टोरेंट, 6 महीने में तीसरा रेस्टोरेंट, अभी एक हमारा बैंक्वेट हॉल भी है वहाँ पर सैन फ्रांसिस्को में। क्या बात है, मतलब कितनी बड़ी चीज है। आप देख रहे हैं मेरे चेहरे की मुस्कान नहीं जा रही है जब ऐसी कोई चीज हमारे नागपुर का शहर का कोई ऐसा कोई करता है और इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करती, तो उनके साथ हमारा भी एक ना एक वट बढ़ जाता है कह सकते, इसीलिए आज मैं इनके साथ हूँ। शेफ विष्णु मनोहर को आप उनकी रेसिपीज के लिए तो जानते हैं, जिन्होंने
शायद कहीं प्रोफेशनली सीख के नहीं किया है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है। मैं भी हमेशा यही कहती हूँ कि ज़िंदगी में एक्सपेरिमेंट करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तब तक आपको अपनी कैपेबिलिटी का पता कैसे चलेगा। तो आप ये मत सोच के चलिए कि मुझे ये करना है, ये आपका प्लान गोल होना चाहिए, लेकिन आपको एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। क्या पता वो ट्रैक चेंज होकर कोई और नया कुछ गोल निकल आए, शायद आप वहाँ कुछ अच्छा करने लग जाए। विष्णु जी, कहीं ना कहीं आपके इतने सारे रिकॉर्ड्स रहे, 11 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स आपने बनाए। रिकॉर्ड बनाना बहुत बड़ा टास्क है। पहला रिकॉर्ड, और मुझे तो वो टाइम भी याद है जब मैं पेपर्स पढ़ती थी, सुनती थी कि पराहटा फेस्टिवल हुआ है, ऐसे कई फेस्टिवल्स आपने शुरुआत की नागपुर में, वो जो दौर था वो किस तरह का दौर था? वो दौर ऐसा था, 2000 में शुरू हुआ वो, आज से तकरीबन 22 साल पहले। तो हमारे कुछ मेरठ से बंदे आए थे रोटी शोटी बनाने, और वो खाली बैठे थे क्योंकि सीज़न नहीं था। अच्छा। जब तक लोग खाली बैठेंगे काम धाम नहीं, तो बोला गांव चले, नहीं भैया बोले आने जाने में खर्चा हो जाएगा। तो बोला यहाँ भी तो ठीक है, यहाँ पड़े रहेंगे। तो बोला क्यों पड़े रहते हैं, अपन फेस्टिवल करते हैं। अच्छा। तो मैंने सोचा चलो उनसे पराठे बनवाते हैं, क्योंकि दिल्ली मेरठ ये हाँ पराठे के लिए फेमस है। तो अलग अलग टाइप के पराठे बनवाना शुरू किया, और वो तकरीबन 60 किस्म के पराठे बने। तो फेस्टिवल हमने प्लान किया, और तो फिर उसका प्रोपोगंडा करने के लिए मीडिया का सपोर्ट चाहिए। फिर मीडिया में हमारे एक मित्र थे मनीष अवस्थी, तो उन्होंने कहा कि यार विष्णु ऐसे नहीं होगा। बोला देख यार मेरे पास पैसे है नहीं, ये खड़ा करने में सब पैसे चले गए, आगे कैसे इसको। तो बोले कुछ रिकॉर्ड बना बोले उसमें। अच्छा, तो वो न्यूज बनेगी। हाँ तब खबर बनती है। हाँ तब खबर बनती है। तो इसलिए खबर के लिए मैंने वो पराठा बनाया 5 फीट बाय 5 फीट का। 5 फीट का पराठा था। हाँ, ओके। तो उसकी प्रैक्टिस भी चली 10-12 दिन। अच्छा, प्रैक्टिस करने के बाद फिर वो मतलब रोज पराठे बने। हाँ रोज। और कितने लोगों ने खा? नहीं, पहले तो ठीक था, बाद में गाय वगैरह गैया खा लेती थी, हो गया। तो वो पहला रिकॉर्ड था। उसके बाद में फिर फेस्टिवल्स की जो है वो मुझे ये लगने लग गई। हाँ ट्रेंड आ गया, तो पराठा फेस्टिवल। उसके बाद में कबाब फेस्टिवल लिया। हाँ, तो बड़ा कबाब बनाया 9 फीट का। अच्छा। उसके बाद में फिर मैंने साउजी वराड़ी फूड फेस्टिवल लिया। ओके। बाद में हवा हवा नागपुर में गोवा एक गोवन फूड फेस्टिवल किया। हाँ। तो ये फेस्टिवल करते करते हर एक में एक एक रिकॉर्ड बनने लगा। हाँ। और ऐसा करते करते धीरे धीरे 5000 किलो की खिचड़ी। हाँ, ये तो मुझे। हाँ, हाँ, 7000 किलो की मिसल। और उसके बाद में साबुदाना खिचड़ी 1100 किलो की, संतरे का हलवा 1100 किलो का। ये सारा बनते गया। और वन फाइन डे आज से तकरीबन 5 साल पहले मैंने नॉन स्टॉप कुकिंग का मैराथन किया 53 आवर्स का। तो ये बिग अवार्ड और बहुत बड़ी बात है, 53 घंटा नॉन स्टॉप कुकिंग। अपने आप में कितने लोग जुड़े थे इसके साथ? काफी लोग। 150-200 मैत्री परिवार का सारा सपोर्ट था। अच्छा, मेरे परिवार का सपोर्ट था। हाँ, मेरा बच्चा, मेरी बीबी, भाभी, भैया, माँ, पिता, सब। ओके विष्णु जी, जब आपकी शादी हुई, ठीक है, वो टाइम क्या होता है कि जब हम लड़की देखने जाते हैं तो पूछा जाता है खाना बनाना आता है मुझे, यही कि उस टाइम का ये ट्रेंड था। आपसे उनको पता होगा कि यार ये विष्णु जी खाना बड़ा अच्छा बनाते हैं, तो आपकी बीवी तो बड़ी खुश हुई होंगी। आज की बीवियां खुश होती है जब पति लोग खाना बनाते हैं, तब वो स्टार्टिंग का दौर कैसा था? वो बढ़िया था, बट वो भी अच्छा खाना बनाती है और हमारे गली में ही रहती थी। बट उन्होंने बोला होगा कि आपका सुना अभी आप ही बनाओ किचन। तो हाँ, वो जब आए थे पहली बार तो मैंने डोसा बनाया था। क्या बात। और जैसे जैसे सामने बैठे थे और किचन हमारा साइड में था और मुँह उस तरफ, और मैं कुछ सफारी वगैरह पहन के मैं डोसा बना रहा था। तैयार थे आप? तो ना, तो उनको क्या लगा ये उनका यहाँ का कुक कोई बना रहा है। वाह, ऐसी सारी बातें हैं। बट मजा आया। वो दौर भी अच्छा था जी। एक इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करना अपने शहर को, अपने देश को, चाहे वो एक आपने वहाँ पर सेटअप किया, क्योंकि रिस्पांस जो है जल्दी से आपको मिलता नहीं हर चीज़ के लिए। आज कोई भी फील्ड हो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, एंड अब तो एक काल आया जहाँ पर लोगों को बहुत परेशानी हुई, बहुत लोगों की चीज़ें बंद सी हो गई, बहुत लोगों के कैफे रेस्टोरेंट पे तो बहुत ज़्यादा ट्रिगर हुआ, बहुत परेशान हुए। यहाँ पर एक सवाल ये उठता है ना कि आज की जनरेशन बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाती है। सपने तो हर कोई देखता है बहुत बड़े बड़े कि हम ये करेंगे हम वो करेंगे, लेकिन जब एक दो फेलियर्स मिलते हैं तो बहुत परेशान थी। आपने भी ऐसे कई सेटबैक्स देखे होंगे? कई सेटबैक देखे, अभी भी देखता हूँ। हाँ। पर उससे हारना नहीं। हाँ, आपने यदि किसी का बुरा किया नहीं ना, आपका बुरा होगा नहीं, ये 100% लिख लो। ऐसा कोई सेटबैक जो सच में शेयर करने लायक है? वैसे देखो अभी तो मेरे ये विष्णु जी की रसोई खोलने के पहले 2 रेस्टोरेंट्स मैंने खोले, वो बंद हो गए। ओके। हाँ,
तो फिर थक, इसलिए विष्णु जी की रसोई बनाने के बाद हम तकरीबन 8-9 महीना रुके। हाँ 8 महीना रुक, हिम्मत ही नहीं हो रही थी चालू करें, क्योंकि उस समय थोड़ा नाम अच्छा हो गया था, तो बोला चालू करके बंद करो नाम खराब होगा। हाँ पर डर के आगे जीत है। हाँ और अभी भी जब कोविड के बाद यहाँ तो पूरा काम ठप था, अमेरिका में शुरू था, पर यहाँ आने के बाद जब आदमी जाने लगे, कुछ लोगों ने माने, जिन बच्चों को मैंने 10-10 साल पढ़ाया सिखाया जो किचन में शेफ थे, उन्होंने अपना ये बदल दिया था, क्या लाइन बदल दी थी, बोला फिर से नए बच्चे तैयार करो ये टेस्ट, क्योंकि मैं रहता नहीं यहाँ पर, मेरे हाथ के तले जो बच्चे तैयार हुए वो टेस्ट फिर से लाना। पर फिर उसी में 1-1.5 महीना चला गया, और बाद में फिर मैं रहा देखते बैठा था। जैसे पहले जब रसोई खोली तो उस समय हमको, हमारा टारगेट था पहले 10,000 भी आ गए ना तो बल्ले बल्ले, हाँ, पर बाद में कारोबार बढ़ गया, 50 लोग काम करने लगे, तो रोज लोगों की राह देखो, मैं थक गया था। तो घर वाले हमारे कहते थे जाओ आप, मैं वापस आ जाता था यहाँ, नहीं लोग ही नहीं, इतना बड़ा सारा खुला और लोग नहीं, वापस जाओ घर पे। तो हमारे भाभी हमारी बीवी कहते थे कि भैया इसी से आपकी ज़रूरत है वहाँ पर, आपके बच्चे जो है काम, वो डिमोटिवेट हो गए, तो बोले आप जाओ वहाँ बढ़िया गाने लगाओ, पहचान वालों को बुलाओ, खिलाओ खाना, बस करो, और हो गया वैसे ही, बहुत हो गया, 1 महीना ये गया, बाद में धीरे धीरे फिर से लोग, वो समय ही ऐसा था कि हमें एक दूसरे का साथ देने की बहुत जरूरत थी, क्योंकि वो समय पे हर कोई निराश था, हम खुद इन अगर देखें अंदर से बहुत निराश थे, लेकिन हम जब अपने सामने परिवार को देखते तो हम खुशी से उनको मोटिवेट करने की कोशिश करते, और इस इंडस्ट्री में तो बहुत हैमर हुआ, क्योंकि कई ऐसे नए नए रेस्टोरेंट्स कैफे खुले और कुछ महीनों में ही बंद होने पड़े, क्योंकि उनके पास वो एक्सपेंसेस जो थे वो हैंडल करने का उतना नहीं था। आपका ये जो सेटअप है वो बहुत सुंदर है, एक गांव का सेटअप लगता है आपका, वहाँ एक टाइटल भी है, मोटिव भी है कि हर महंगी चीज सस्ती, हर महंगी चीज महंगी नहीं होती। हाँ, हाँ, सारी महंगी, सारी अच्छी चीजें महंगी नहीं होती, होती। हाँ। तो ये जो है, और आपने वो सेटअप वैसे ही रखा है, चीजों को बढ़ाया नहीं है चीजों को, ये जो है जब सोसाइटी को हम सर्व करते हैं तो एक कैसी फीलिंग होती है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और हमारे यहाँ क्या होता है कि रोज जैसे खाना बनता है तो सारा खाना पहले भोग लगाया जाता है, एक थाली रोज बाहर कोई गरीब व्यक्ति को दी जाती है, और अभी भी, हाँ अभी भी, हाँ। और मैं खुद टेस्ट करता हूँ जब नागपुर में हूँ, पुणे, कहीं भी, किसी भी रसोई में, और माने भगवान का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि लोग पैसे तो देते हैं पर बाद में फिर से मेरे को मिलने आते हैं कि भैया बहुत मज़ा आया, खाना अच्छा लगा। वो प्यार से खिलाना और प्यार मोहब्बत वापस मिलना, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये बहुत एक अलग तरीके का सुकून देता है। ये ट्रेंड फॉलो करते करते कहीं ना कहीं अब इंटरनेशनल लेवल पे जो आपने एक रसोई खोली है, उस रसोई में क्या क्या सर्व किया जाता है और सबसे ज्यादा लोगों को क्या पसंद आता है, मुझे बहुत, मैं बताऊं कि वहाँ पे मैंने मेरा ही खाना बेचा। हाँ, मैंने कोई, हाँ यही ट्रेडिशन सेम। अच्छा, हाँ, हाँ झुनका, हाँ, भाकर, पिटला, पाता भाजी, मसाले के बैगन, मसाले भात, जलेबी, मालपुआ, उसके बाद में थोड़ा इंडो चाइनीज। अच्छा, हाँ ओके, को नॉनवेज नहीं बेचा कभी। हाँ, तो यही ट्रेंड है, इसी तरह का पूरा लुक है, छोटा है, 5,000 फीट, 8,000 फीट, बट दीवारें जो ऐसी गोबर की लिपटी, गोबर की दीवारें ऐसी, हाँ, और चाहो तो हम कुछ फोटोग्राफ्स, हाँ, हमारे साथ शेयर करें। कहीं ना कहीं नॉनवेज की कभी डिमांड नहीं आई आपको वहाँ पर? नॉनवेज की डिमांड आई, ओनर से ही आई कि बोले इसके सिवा तो चलेगा ही नहीं। तो यार मैं बोला कि मैं क्या करूँ, फिर बड़ा बोझ दिल पे रख के मैंने नॉनवेज शुरू किया, और वहाँ के लोग इतने बोले, देखो विष्णु जी की रसोई में हम नटन खा रहे, ऐसे फोटो उन्होंने फेसबुक पे डाले, घर से पहले चिल्ला चल्ली हुई। तो ये पहला दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ, तीसरे दिन एक गुजराती लेडी आई। अच्छा। बोले विष्णु जी मैं कहीं खाना खाने नहीं जाती, बोले हाँ। पर यहाँ पर आई हूँ, नॉनवेज जहाँ है वहाँ तो जाती ही नहीं, बोले कभी, पर आपके आपके ऊपर भरोसा है इसलिए मैं आई, बोले। बोला माँ जी आप बिल्कुल भरोसा रखिए, आपको बढ़िया खाना मिलेगा, चिंता मत। अंदर जाके देखा हूँ किचन वाला जो लड़का था, इधर का चम्मच उधर उधर का चम्मच चल ही रहा था। उस समय रात भर नींद नहीं आई। मैंने दूसरे दिन ओनर को कहा कि भाई मेरे से नहीं होगा, आप विष्णु जी की रसोई हटा दो, तुषार जी की रसोई शुरू करो, और आप नॉनवेज बेचो, ये बेचो। नहीं बोले इसकी, बोला मैं गारंटी देता हूँ 1 महीना मुझे दो, यदि 1 महीने में मैंने आपको रिजल्ट नहीं दिया तो जितना आपने लगाया पैसा मैं दे दूंगा। अच्छा।
एक मैंने चैलेंज लिया और वो चैलेंज मैंने लेने के बाद 15 दिन में उनका जो है सरप्लस होने लगा पूरा वेज खाने में। क्या बात, फिर वही टेंडर खा और उसी से एक से दो, दो से तीसरा आउटलेट अब वहाँ पर ओपन है और बैंक्वेट भी है, मतलब कितनी प्राउड वाली चीज़ है। अब विष्णु जी आप कहीं ना कहीं इतनी सोसाइटी को सर्व करते हैं, हमें एक सुकून मिलता है, एक प्यार मोहब्बत मिलती है उनसे भी आपको मिलती है। अब मैं आपको बहुत प्राउडली बताना चाहूँगी, एक ऐसा इनिशिएटिव विष्णु जी लेकर आ रहे हैं जो अपने आप में बहुत तारीफ़ काबिल है, क्योंकि एक ऐसा सेक्शन, एक ऐसा तबका जहाँ बातें हम बहुत करते हैं उन्हें सपोर्ट करने की, उन्हें आगे लाने की, उनके हक के लिए लड़ने की, लेकिन अब भी उनके लिए कोई नहीं लड़ता, उनके लिए कोई कुछ ऐसा नहीं करता जहाँ पर करने की ज़रूरत है। मैं बात कर रही हूँ ट्रांसजेंडर्स की। उनके लिए अब विष्णु जी एक कंपटीशन लेकर आए हैं नेशनल लेवल पर, इस कंपटीशन के बारे में एक थोड़ा ब्रीफ हमें दे दीजिए। वो ऐसा है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि भैया हम उनको अलग नज़र से देखते हैं और ये मैं भी आप भी सभी लोग हैं। हाँ, और मैं एक बार ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हुआ कि जिसके कि नहीं आ रही है तो हमारे में से ही है, तो इनको क्यों हम अलग अलग नज़रिए से देखें, इनको भी हमने मेन स्ट्रीम में लाना चाहिए। तो उसके लिए क्या मैं, मेरा जो सब्जेक्ट है वो सबसे बढ़िया सब्जेक्ट है कि उनको यदि मेरे साथ जोड़ दूँ तो ये। कब हिट किया विष्णु जी ये चीज़, कब हुआ कि ऐसा कुछ करना चाहिए? ये मैं पूना में था, अच्छा? अभी दो चार महीने पहले पूना में एक स्क्वायर में गाड़ी रुकी थी और एक जो पैसे मांगते हैं ना चौक में, वो पैसे मांग रही थी और एक बाइक वाले के पास पैसे मांगे, बट वो बाइक वाला बेचारा पैक था पूरा, सामने सामान, पीछे बीवी बच्चा, नहीं दे पा रहा था। उसने समझ लिया उसका प्रॉब्लम, अच्छा। और फिर भी उन्होंने बोले पैसे नहीं चाहिए, बच्चे को जो भी उसको करना है वो किया और मेरे गाड़ी के पास आई। तो मैंने ड्राइवर को बोला भैया गाड़ी दरवाजा खोलो, मैं पैसे दूंगा इसको। मैंने जैसे पैसे के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो इतना स्वीट स्माइल उसने दिया और कहने लगे कि भैया आप विष्णु जी हो ना, मैं आपकी रेसिपीज फॉलो करती हूँ। ओह माय गॉड, तो मैं बोला यार ये कितनी बड़ी बात है, हाँ कितनी बड़ी बात है। तो उस समय से मैंने सोचा कि हाँ मैं इनके लिए कुछ तो कर सकता हूँ, तो फिर हो गया शुरू दिमाग में और अभी साकार हो रहा है। तकरीबन मेरे ख्याल से 700-800 लोग इसमें शामिल होंगे और सारी सिटीज़ में, नागपुर है, मुंबई है, पूना है, नासिक है, औरंगाबाद, ये सारे शहरों में कंपटीशन हो रही और इसका फिनाले हमारे नागपुर में होने वाला है। सो हम अपने चैनल के थ्रू आपको इसकी अपडेट देंगे। लेकिन विष्णु जी जो हमारा सेक्शन है रियल हीरो, आपकी नज़र में एक रियल हीरो कौन होता है? शिवाजी महाराज। 50 साल की उम्र में उन्होंने क्या किया, क्या क्या नहीं किया, नहीं क्या, जिस समय सुविधा नहीं थी उस समय भी उन्होंने जिस प्रकार से काम किया, ही इज अ रियल हीरो फॉर मी। आज की जनरेशन जो आपको देख रही है कहीं ना कहीं आपसे बहुत कुछ सीख रही है, इंस्पायर हो रही है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि भैया एक तो घर वालों से, माँ बाप से प्रेम रखो, बड़ा होने के बाद उनको भूलो मत, अपने दोस्तों को मत भूलो, हम जहाँ खड़े थे जमीन में वहीं रहो और बड़े सपने देखो। बड़े सपने देखने के चक्कर में बहुत ज़्यादा लोन मत लो बैंक का, हाँ, बट सपने पूरे करने के पूरा पीछे बढ़ो, पीछे भीड़े रहो, आपके सपने पूरे होंगे। थैंक यू सो मच दादा, आप इतने कीमती समय के लिए, दादा इतने बिजी होते हैं लेकिन एक फ़ोन पे उन्होंने हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। एंड आई विश कि आपके ये जो आउटलेट्स हैं ये वर्ल्ड वाइड बस यूं ही खुलते रहे और आप मुझे भी बुला लें, मैं भी जाऊँगी दादा के साथ। तो बस आज इतना ही रियल हीरो में, मैं बस जैसे कि दादा ने कहा कि सपने देखो, सपने के पीछे आपकी चाह भी होनी चाहिए, वो कहते ना कि जहाँ चाह है वहाँ राह है, ये कहावत ऐसे ही नहीं लिखी गई है, ये हकीकत है। अगर आप डिटर्मिनेशन रखते हैं, अगर आप ज़िद रखते हैं तो आपको कोई भी सेटबैक पीछे नहीं ले जा सकता। मैंने भी अपनी लाइफ में ऐसे कई सेटबैक्स देखे, ऐसे कई ट्रोलिंग्स देखे, ऐसी कई चीज़ें देखी, लेकिन अगर आपकी ज़िद हो, अगर आपका पैशन हो, तो आपको देखना आपका जो गोल है वो ज़रूर मिलने वाला है। सपने देखते जाइए, सपने के पीछे अपने जो चाह है उसे बना के रखिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए, फिर मिलेंगे किसी और शख्सियत के साथ। तब तक के लिए दिस इज़ मीनाक्षी साइनिंग ऑफ, बाय बाय, नमस्कार।